देते हैं। एक मिनट, एक कमेंट सेक्शन में उसे दो चांसेस, एक सेकंड, लाइक चैट करवाना रहेगी लगा था पर मैं ट्राई कर तो कमेंट जाएगी। कदा चले मिल कर उन रही प्लस हाई भी कम नहीं। चलो तो हमारा प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है। तो सॉरी सभी दिव्य आत्माओं को कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, मतलब वो गाना वाना बज रहा था, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए होल्ड लेना पड़ा। लेकिन अब फिर से ठीक है, हम बापूजी के साथ फिर से जुड़ चुके हैं और बापूजी से फिर से बात करेंगे, मन की बात करेंगे। और तो बापूजी बताइए क्या कहना चाहते थे, हम कहाँ रुके सूक्ष्मोतन में हमारा थे। जो कार्य हो रहा है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसके हाँ जी बारे में बच्चों को बता रहे थे। हमारे पहले पुराने भी कई वीडियो हैं जी जी जिसमें सूक्ष्मोतन में कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पूरा सूक्ष्मोतन में भी कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऊपर वाले सूक्ष्मोतन वाले, उनकी बात पहले भी कई वीडियो में, पहले लाइव वीडियो में कई बार बोल चुके हैं हम। हाँ जी हाँ जी और सूक्ष्मोतन की भी वीडियो है हमारी, वो उसमें प्राइवेट में रखी हुई पार्ट 1 2 3 ऐसी वीडियो हैं बहुत जो हमने बताई हैं पहले भी जी जी कि जी सूक्ष्मोतन में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे। तो ये सूक्ष्मोतन की बातें समझना कोई ब्रह्मांड की, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है तो ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान समझे, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा का ज्ञान समझे, यूनिवर्स का भी ज्ञान समझे, तो मल्टीवर्स तक भी समझे। अगर 33 कोटि देवी देवता वाली जो आत्मा है वो मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझेगी। देखो ज्ञान है पहचान, आत्माओं को कैसे अपने आप को पहचाने, आत्माएं अपने आप को कैसे पहचाने, तो गीता में यही कहता है ना कि मैं जप तप और ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। और इसलिए बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञान ज्ञान से मिलता हूँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ भी ज्ञान, ज्ञान है पहचान, हर कोई आत्मा अपने आप को भी कैसे पहचानेगी, ज्ञान से जानेगी। अगर मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझ में आता है साइंटिफिक तरीके, जैसे किसी को ज्ञान समझाना है तो कैसे समझाना चाहिए बेसिक, हाँ कि जी भी उसको बोलो कि रात को जो आसमान के तारे, प्राइमरी नॉलेज, रात को आसमान के तारे दिखते हैं वो क्या है, सूर्य है ना, साइंस के हिसाब से वो सूर्य है। सूर्य और शास्त्र क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। अब शास्त्र को लाओ, ये साइंस और शास्त्र, अब अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो तो अलग जितने सूर्य हो गए। अनंत अनंत सूर्य होंगे तो रात को जितने सितारे दिखते हैं वो सारे ब्रह्मांड हो गए, बिल्कुल सूर्य है। रात को जी जितने सितारे देखते हैं सब सूर्य है, तो एक सूर्य माना है, एक ब्रह्मांड शास्त्रों के हिसाब से। हाँ जी शास्त्रों में कहा है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, बिल्कुल तो अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो, रात को क्या देख रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत देख रहे हो ब्रह्मांड देख रहे हो अनंत कोटि माना करोड़ों, दो करोड़ कोटि माना प्रकार भी होता है, अनंत अनंत प्रकार के प्रकार अनंत करोड़ों, दो अर्थ कोटि का। जी तो ये सीधी साधी बात है कि भी तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड तो शास्त्रों में लिखा हुआ है तो कैसे पहचानो, तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए फिर ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, यूनिवर्स की बातें साइंस वालों ने जो बोला है, वो जी वीडियो देखें कि गैलेक्सियाँ अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में, ऐसे यूनिवर्स ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत हैं, ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जीवन अलग अलग है, ऐसे मल्टीवर्स में। तो सब थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलाएं, बुद्धि को ये पढ़ाई है ना, जी बाबू जी जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ते हैं, जी तो ये भी पढ़ाई है। तो पढ़े ज्ञान से जज करें कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आ जाए तो कम से कम अच्छी आत्मा तो होगी। 33 कोटि में भी ना आए तो भी कम से कम अच्छी आत्मा होगी। कुछ आत्माएं ऐसी हो जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा लेकिन भावना हो, तो वो कहाँ कौन सी कैटेगरी की वो होगी? भावना वाली आत्मा आगे चलकर ज्ञान समझेगी, अच्छा कई एजेड होती है ना, हाँ जी जन्म के कारण एजेड हो जाती हैं, तो भावना होती है, ज्ञान समझ में नहीं आता, मगर वो भावना वाली आत्मा भी अंत में जब ज्ञान साक्षात्कार होगा तो उनको अपने स्वरूप पर साक्षात्कार होगा ना, जी
ये भावना वाली आत्माओं को भी पावर मिलेगा तो उसकी आत्मा का स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा अंत में, कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। हाँ जी, ये समझ में आ जाएगा उनको जी। भावना वाली आत्मा भी एक दिन, देखो यहाँ कहते हैं ना भावना का बाड़ा ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। हाँ जी, तो यहाँ ज्ञान समझ थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर ये पावर से आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा हो सकता है कि आत्मा जीते जी ये शरीर के साथ ज्ञान नहीं समझ आता, लेकिन जब वो सूक्ष्म में जाती है तो उसके आवाज। हाँ, तो आवरण जब कम हो जाते हैं ना, हाँ जी, जल और मिट्टी का आवरण कम हो जाता है, हाँ जी, तो आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है, आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। हाँ जी, तो कई बार सूक्ष्म में जाने के बाद उसको कई आत्माएं हैं जीते जी ज्ञान नहीं सुनते, मगर शरीर छोड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है, वो ज्ञान सुनने लग जाते हैं, और जहाँ जहाँ ज्ञान की वीडियो रिकॉर्ड चलती है वहाँ पहुँचते हैं, उनके घर में ज्ञान सुनते हैं। फिर ऐसे कई विमान ज्ञान सुनने विमान में बैठ गए, 9 लाख वाली आत्मा। आपने एक बार बताया था एक आत्मा थी जो ज्ञान ही नहीं सुना उन्होंने तो, पर जैसे सूक्ष्म में वो, तो जैसे कई बच्चे हैं तो उनकी घरवालियाँ ज्ञान सुनते हैं, पुरुष नहीं सुनते, मगर घरवालियाँ ज्ञान कोशिश करती हैं मगर नहीं सुनते जब तक साकार में है। मगर जब शरीर छोड़ते हैं सूक्ष्म में वो चले जाते हैं तो फिर देखते हैं ना सूक्ष्म अवतर में। हाँ जी, तो ऐसे ज्ञान बोन सुनते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ जाता है, फिर फट से समझ में आ जाता है। तो सूक्ष्म अवतर में भी ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं बहुत होती हैं, हमारा ज्ञान की वेद के ज्ञानी भी आत्माएं बहुत है, तो उनको ज्ञान सुनाते, फिर ज्ञान सुन के कई ऐसी कुछ आत्माएं तो वेद के विमान में बैठ गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है बाबूजी, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किया लेकिन कोई आत्मा सूक्ष्म में जाके अगर ऐसे एकदम परिवर्तन हो जाता है और साकार में उसने ज्ञान सुना ही नहीं। हाँ, मरने के बाद तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर बाबू? हाँ, ये सूक्ष्म जगत का खेल है। नहीं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो बीज रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, विकार खत्म हो गए उसके। नहीं, मरने के बाद उसको सूक्ष्म में सूक्ष्म अवतरण में आत्माएं कुछ उसको हेल्प करती हैं। जो बेहद की आत्मा है ना, बेहद उसकी घरवाली तो चलती है, ज्ञान चलता है, वीडियो चलता है, तो उसके घर में बेहद की आत्माएं का सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं। तो जब बेहद की आत्माएं जब उनके घर में वीडियो रिकॉर्ड चलता है, हाँ जी, तो वीडियो रिकॉर्ड चलता है उनके घरों में, तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती है। जब उसका घरवाला, जैसे घरवाली सुन रही है, अब घरवाला मर गया जी, तो घरवाला को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो घर में ज्ञान सुनती है, वो पकड़ती है ना उसको, फिर सुनाती है उसको, फिर सुनाती है, तो धीरे 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ज्ञान उसके अंदर इमर्ज करा लेती है और निकल जाती कई आत्माएं, 9 लाख वाली आत्माएं निकलती है ऐसे। अच्छा, बेहद की आत्माएं विमान में बैठ गई ऐसी आत्मा, आपको क्या वंडरफुल बात हुई। हाँ, कई आत्माएं ऐसी, जैसे आपने कहा वो ऊपर चली जाती है सीधा, मान लो बेहद के विमान में 50 कला की पावर तक वो पहुंच गई, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पावर तो होगी ना, वो है 9 लाख वाली आत्मा ही थी, पर वो अपने आप को पहचान, ऊपर आवरण इतने चढ़े थे, माया के आवरण इतने चढ़े थे, विकारी आत्मा थी, माया के आवरण थे, तो माया के आवरणों को मरने के बाद भी उसके, देखो बाई चांस उसको क्या चांस मिला, उसकी घरवाली उसके घर में ज्ञान चलाती थी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ थी। जब सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ होती है तो ये आत्माओं मरने के बाद जब बाहर निकलती है, आत्माएं थोड़ शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, तो उसको ज्ञान सुनाती है ना, फिर उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि सूक्ष्म में, फिर इमर्ज करती है वो आत्माएं, ओरिजिनल 9 लाख वाली थी, उसको इमर्ज करने में, ज्ञान इमर्ज करने में टाइम लगा। आज भी हमारे पास कहाँ 9 लाख कहाँ से आते हैं, आते ही नहीं है ना, माया में फंसे हैं ना, पत्थर बुद्धि हो गए, कहाँ आते हैं मरने के बाद उसको, मगर उसके निमित्त कौन बनी, उसकी घरवाली। हालांकि उसके घर कईयों को मैंने देखा, इसकी जो घरवाली ज्ञान में चलती है उसका कनेक्शन, उसका पुरुष का कनेक्शन एक ही जन्म का है, मगर उसको 9 लाख के विमान में बिठाने के लिए तो निमित्त बन जाती है, तो समझती है ना सूक्ष्म जगत में। हेल्पलाइन भी कई बच्चों को मिलती है सूक्ष्म जगत वालों में, बहुत सूक्ष्म बात हुई तो। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो विमान में बैठ गए हैं। अब कितनी आत्माएं बैठ गई है विमान में बापू जी?
मेहत के विमान में अभी तक 3070 आत्माएं बैठ गई हैं मेहत के विमान में, और 33 कोटि देवताओं के विमान में करीबन 22-23 हज़ार आत्माएं बैठ गई हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है मगर 22-23 हज़ार है जी। बैठ गई है ज्ञान सुनकर। हमारे यहाँ पूरा फॉर्मूला होकर जो हमने सूक्ष्मोत्तम में पहले नहीं बताया कि पहले एक 4 कला का गोला रखा था 1 किलोमीटर ऊपर, दिल्ली में भी रखा था हमारे आश्रम के ऊपर, यहाँ भी एक, अभी तो 4 कला निकाल दिया, अभी 10 कला कर दिया, क्योंकि हमारा जो ये हॉल है हॉल में अभी 10 कला का परम आकाश भरा है, ये 4000 गज में 10 कला का परम आकाश भरा था। तो परम आकाश जो आत्माएं अंदर आती है तो उसको एकदम साइलेंस, परम आकाश उसके ओरे में जाकर उसको साइलेंस कर देती है आत्माओं को। तो आने वाली आत्माओं को परम लाइट परम शांति मिले इसलिए ये सब करते रहते हैं। तो ये पावर बनना पड़ता है। बच्चों जो इस बार आए थे नवंबर में प्रोग्राम में, तो उनको अनुभव क्यों हुआ, यहाँ 10 कला का परम लाइट परम आकाश भरा था 4000 गज में, हॉल में बल्कि 15 कला का भरा था और 5-10 कला का परम लाइट भी भरा था। तो जैसे मूर्तियों में अभी देखो, जैसे मूर्ति पूजन करते हैं ना, मूर्ति मंदिरों में मूर्ति होती है ना, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों का, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा। तो मूर्तियों में जो देवी देवता होती है उनकी एक रूप आकर उस पत्थर की मूर्ति में वो रूप रहता है जी। और जब उनके भक्त सामने आता है तो वो उनको हेल्प करती है, उनको पावर देती है, जैसा भक्त वैसा पावर मिलती है। तो इसी तरह अभी भी ये स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी मेरी फ़ोटो लगाती है, बेहद के दादा की फ़ोटो जहाँ जहाँ भी लगी होगी वहाँ बच्चों को वो हेल्पलाइन मिलेगी। वहाँ घर के अंदर भी नेगेटिव आत्मा होगी भूत प्रेत ऐसे तो भाग जाएगी, और परम शांति के वाइब्रेशन का मंत्र चलाओगे तो धीरे धीरे घर से या तो भूत प्रेत सुधर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ बेहद के बाप को याद करोगे ना तो सीधी 10 कला की परम लाइट आपके अंदर आएगी, आपका ओरा रिफाइन करेगी। घर के अंदर 10 कला का परम लाइट परम आकाश तो भरा ही रहेगा, जिस रूम में फोटो रखा है इस रूम में, तो उस रूम में तो आत्मा भूत प्रेत तो 10 कला परम आकाश भरा है तो जा ही नहीं सकती, सीधी डाइल्यूट हो जाएगी। जहाँ 10 कला परम आकाश है वहाँ तो वो आत्माएँ डाइल्यूट हो जाती, भूत प्रेत तो मच्छर जैसी आत्माएं होती है, वो तो डाइल्यूट हो जाती है। तो अभी नया सब इस बार बच्चे आए ना तो नया प्रयोग शुरू किया, जैसे पहले दिल्ली के आश्रम में हॉल में 10 कला था, बाहर 4 कला था परम आकाश का, वो तो अभी भी होगा ना, अभी भी है, बल्कि इस बार तो हॉल में हमने 10 कला का परम लाइट का, जैसे 10 कला का परम लाइट का ब्रह्मांड होता है ना परमधाम, 10 कला का परमधाम ऐसे दिल्ली आश्रम में आज करवाया था मैंने, तो जो बच्चे गए होंगे इनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। जो आत्मस्वरूप होते हैं नष्टो मोह होंगे तो होगा, बाकी सबको नहीं होगा, ये सब मेन सब्जेक्ट है। तो मतलब तो यही हुआ कि आपके जो भी वरदान जो भी पावर जो भी आप दे रहे हैं वो तभी होगा जब आत्मा क्या वो पात्र बनेगी आत्मा। मगर आत्मा देखो आज भावना है ना, भावना क्या है, भावना का फल भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। अगर आज भावना वाली आत्मा है ज्ञान बुद्धि है समझ नहीं पा रही एज के कारण, कल शरीर छोड़ देती हैं, आवरण हट जाएंगे, आवरण हट जाएंगे तो महीने 2 महीने में ज्ञानी हो जाएंगे, 6 महीने में तो विमान में बैठ जाएगी वो, हो सकती है 9 लाख वाली हो, 16000 वाली भी हो, कोई स्पेशल क्वालिटी वाली भी आत्मा है जो विमान में बैठ गई है मरने के बाद, काफ़ी आत्माएं बैठी हैं अभी, कितनी बोला मैंने 3070 तो उसमें काफ़ी स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं, कुछ 9 लाख वाली भी हैं, कुछ बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं बैठी। बेहद के पीएम की जो आत्माएं थी उसका क्या, वो बेहद के पीएम की तो आत्माएं साधारण है, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा, 1 कला वाली थी तो उनमें 5000 साल में तो आधी कला तो यूज कर ली, तो आधी कला वाली है तो आधी कला तो मुक्त हो जाएगी, तो वो आज हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं। तो उनका कार्य क्या है जो अभी यहाँ पे, वो पहले ये इसने भेजा था कि ये सुरक्षा का कवच बनाएगी, किनका, 1 कला की, जो जैसे 108 राजा बनने वाले थे
तो राजा बन चुकी है 5,000 सालों में, 1,008 उसके छोटे राजा थे इसके अंडर में, 16,000 उसके मंत्री बनते थे, 9 लाख उसके बड़ी बड़ी रचना पैसे वाले 9 लाख थे, मगर उसको हेल्प करने के लिए उसने भी ये 6 लाख आत्माएं भेजी थी पीएम ने, मगर वो एक कला वाली थी, उसने बेहद की 9 लाख की बेहद की कला की आत्माएं थी, इसलिए बेहद की कला की उसने सोचा एक कला की आत्मा है बच्चों को हेल्प करेगी, इनको सेवा चाकरी करने के लिए भेज दी थी। तो वो 5,000 साल में आधी कला तो यूज़ कर लिया, अब आधी कला वाली आत्मा हो तो मुक्त हो जाएगी ना, इसलिए बेहद की पीएम की 6 लाख आत्माएं 5,000 साल में उसने, मगर उनको कोई चिंता नहीं उनकी वो पहले से ही उसने ऐसा बोला है कि वो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी आत्मा रखकर करूँगा क्या, आधी कला को क्या करूँगा रखकर, जब ये मल्टीवर्स ही 100 कला का उसमें आत्माएं भी रहने वाली 40 कला से नीचे रख नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी, पहले चाहते 4 कला रखे 10 कला रखे ऐसे, मगर अभी लेटेस्ट जो रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो ज्ञान हो रहा है तो मल्टीवर्स अगर अच्छी तरह लॉन्ग एलाइव परमानेंट रखना है तो 40 कला सी आत्माओं से नीचे वाली आत्मा होगी तो गिरा देंगी, तक मल्टीवर्स 100 कला का है तो 100 कला वाली आत्मा चाहिए, कितनी 100 कला, मगर कम से कम 40 कला वाली आत्मा को हम जीवन मुक्ति देंगे, उनको पावर देकर, कोई जैसे 10 कला वाली आत्मा है तो 4 गुना पावर देकर 40 कला की बना दिया तो जीवन मुक्ति में चली गई, ऐसा ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, पहले 4 कला का था फिर 10 कला था अभी और 20 कला तक आए हैं, मगर मुझे जहाँ तक लगता है अल्टीमेट 40 कला तक आएंगे, मेरे मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मल्टीवर्स अच्छा बनाना है तो सूक्ष्म अवतरण में ये सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। स्पेशल क्वालिटी की आत्माओं पर एक वीडियो है मेरा जी, कि 15 लाख सालों में जिन जिन आत्माओं को जहां जहां जरूरत पड़ी उन आत्माओं की रचना हुई, 15 लाख साल से शुरू हुई, शुरू 15 लाख साल में जरूरत पड़ी, 14 लाख, 11 लाख, 10 लाख, अभी भी कुछ आत्माएं एक जन्म वाली भी हैं, कुछ आत्माएं 2 जन्म वाली स्पेशल कैटेगरी की, एक जन्म वाली। अच्छा। एक जन्म वाली भी 5 आत्माएं हैं अभी आज की तारीख में, और 2 जन्म वाली 7 आत्माएं हैं। अच्छा। तो स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है। और बाकी सारी, बाकी अलग अलग है ना, कोई किसी का अलग अलग, किसी का कोई 5,000 साल पहले भी बनाया गया, कृष्ण के अवतार में काफी स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं बनाई गई, उससे पहले 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, 2,00,000 साल पहले, ऐसे काफ़ी आत्माएं बनाई गई, तो उन आत्माओं ने रचना फिर की, रचना की रचना फिर रचना होते कि इन आत्माओं ने स्पेशल काम करने के बनाई हैं आत्माएं। 2024 के बारे में बताइए। 2024 में तो देखो, अब बच्चों जैसे पुरुषार्थ करेंगे ऐसी तरह दुनिया चलेगी, बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करेंगे तो वायुमंडल में परम शांति जाएगी, तो शांत हो जाएगी। अगर तो परम शांति नहीं, बापूजी आपने इतने सारे वरदान जो दिए हम तो चाहते हैं कि परम शांति से सब काम हो, मगर सूक्ष्म अवतरण में ऐसी आत्माएं बैठी हैं, विनाशकारी आत्माएं बैठी हैं जो विनाश विनाश कर रही हैं चारों, इसलिए कुछ ना कुछ तो देखो 24 का साल जो है एकदम तमो प्रधान तो नहीं जाएगा, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन तो इफेक्ट करेंगे इस बार जबरदस्त, इसलिए तो ये बच्चों को पावर देकर परम शांति के वाइब्रेशन और भी क्रिएट हो, तो ये प्रकृति भी 5 तत्व तो शांत हो जाए। अभी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड नहीं, अभी तो नहीं होने देंगे कुछ समय तक तो रोक, जैसे जैसे रशिया को रोका गया ना मोदी के द्वारा, रोका गया ना, उसने फोन किया ना पुतिन को कि भाई रोक दे परमाणु बम ना फोड़ने, तो कब के हो गया होता, तैयारी था, पुतिन ने लगा दिए थे सारे परमाणु बम सामने आके, अमेरिका ने लगा दिए थे आमने सामने, बम लग गए थे, मगर मोदी ने समझाया कि ये विनाश का समय नहीं है, बम बम शांत रखो, अमेरिका तो चाहता है विनाश क्योंकि ये तो विनाशकारी हैं सब, ये उनको तो विनाश, क्योंकि उनके चलाने वाली आत्मा है सूक्ष्म अवतरण में है ना, चाहे अमेरिका विनाश के लिए जो परमाणु बम किसने बनाए, सूक्ष्म अवतरण वालों ने बनवाया है ना, तो किसके लिए बनाए, विनाश के लिए बनाए, तो कभी ना कभी उनमें प्रेस करके बटन दबा देंगे, खेल खत्म कर देंगे, मगर मोदी को निमित्त बनाकर भेजा है उसने कि भाई वो पुतिन को फोन किया भाई परमाणु बम शांत कर,
पुतिन को बोला तो उसने शांत कर दिया। अभी भी ये होने वाला था, पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे, मगर उसमें थोड़े शांत मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले, मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा रुक जाए थोड़े समय। अभी एक साल के लिए तो मैंने खुद संकल्प किया है कि एक साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ ना 24 के बाद देखेंगे फिर जी। तो 24 तक नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे, और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता बच्चे एक काल अग्नि में हजार पर बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका रशिया चाइना सबके पास, अब छोटे छोटे देशों के पास है, तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो, तो फिर क्या होगा वो, तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है, महाकाल प्रलय पार्ट वन पार्ट टू देखो उसने सब डिटेल में बताया है। इसलिए हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बीजेपी आएगी 2024। हाँ वो तो बीजेपी आएगी, काफ़ी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी, कोशिश सूक्ष्मोत्तन देखो यहाँ सूक्ष्मोत्तन वाले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सूक्ष्मोत्तन में पॉलिटिक्स हो रहा है ना, तो कांग्रेसियों के भी भूत भी सूक्ष्मोत्तन में है, वामपंथियों के भी भूत हैं, नास्तिकों के भूत है, क्रिश्चियनों के भूत है, मुसलमानों के भी भूत है, जितने प्रकार हम धरती पे देख रहे हैं सारे प्रकार सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर चल रहे, इनके भूत सब चला रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले भूत पहले सब भाग रहे थे, तब तो ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े, सोमनाथ को 17 बार क्यों लूटा गजनी ने, इस बार बताऊं, क्योंकि हिंदू भूत उसी टाइम कमजोर पड़ गए थे भाग गए, इसलिए मुसलमान भूतों ने अटैक किया। राजा तो निमित्त होते हैं, उनमें हजारों एक एक में हजार भूत घुस के लड़ाई करते हैं, समझ में। अभी हिंदू भूतों को सूक्ष्मोत्तन से नीचे उतारा जा रहा है, हिंदू वाली आत्माएं जो हिमालय में तपस्या कर रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं बहुत आत्माएं हिमालय में, उनको नीचे उतारा जा रहा है, और उनको बोला है कि हिंदुओं को सनातन को बचाओ, तो वो नीचे उतरे, थोड़े थोड़े उतरे हैं, अब और भी उतर रहे हैं और भी उतर रहे हैं, ये आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर बहुत उतर जाए ना, बहुत तो बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, ये सनातनी को तो बनना ही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा सूक्ष्मोत्तन से, काफ़ी आत्माएं वो पहले जो बैठे हैं ना गांधर किन्नर यक्षक पहले लोग में, उनको भी नीचे उतारा जा रहा है, देवताओं के कुछ ऊपर भी सूक्ष्मोत्तन बैठे इनको उतारा जा रहा है, इवन विष्णुपुरी में जो आत्माएं बैठी है ना आज की विष्णुपुरी में, उनको भी उतारा जा, वे उतरो नीचे जाओ, भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, सनातन को बचाओ, बहुत आत्माएं नीचे अभी उतार रही मगर उतरती नहीं है ना वो, अब विष्णुपुरी में बैठी होगी वो, कोई आएगी नीचे, उनके लिए तो स्वर्ग है ऋषभ महास्वर्ग है, महास्वर्ग नहीं महास्वर्ग, कोई विष्णुपुरी छोड़ के आएगी कोई आत्मा, ब्रह्मापुरी में जो कोई बहुत बैठी आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं बेहिसाब आत्माएं बैठी, तो ये अभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय आपस में जो वोटिंग करेंगे, तो देखो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं यहाँ जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर रही हैं, तो किसको देगी वोट, आप सोचो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा किसको वोट देगी, आप समझ लो, कहने की जरूरत है, हिंदू धर्म की आत्मा जो प्रवेश करके जो वोट कराती हैं, तो वहाँ इस बार वोटिंग पोलिंग के बाहर आत्माएं घुसेगी, इस बार ऊपर से बहुत उतार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ऊपर से, भी नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, पूरा हिमालय खाली करा रहे हैं, ज्ञानगंज बन बहुत बेहिसाब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं बैठी हैं, पावरफुल आत्माएं बैठी हैं, उनको नीचे उतार के बोले जाओ, ये जो भारत में जो कूड़ा कचरा बैठा है ना अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा, उनको खा जाओ तुम, ये आत्माओं को तुम खा जाओ, वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, उनको तुम खा जाओ, तो खाती नहीं है ना आत्माएं, वो विकारी नहीं है ना, भगाना चाहती है, अरे वो भाग के दोबारा आएगी, तुम उसको तो लाइट स्वरूप बन के, तो आइडिया दिया एक लाइट का गोला बनाओ और इन आत्माओं को अंदर लाइट के गोले में मुक्त करो, हाँ भस्म कर दो, अब कर रहे हैं अभी सूक्ष्मोत्तर में काम हो रहा है, तो अगर ये पावरफुल आत्माएं बहुत हिंदू सनातन धर्मवादी आत्माएं बेहिसाब अरबों खरबों की तादाद में आ जाएंगे, तो यहाँ से ये सब क्रिश्चियन मुसलमान के भूतों को भगा देंगे यहाँ से। आज भी देखो देखो कौन करा रहा है, आज भी आप देखो एक्स मुस्लिम की जितनी चैनल शुरू हो गई है, आज बहुत चैनल हो गई है,
कौन करा रहे? सूक्ष्मतन वाले ही करा रहे हैं। काफी बड़े पढ़े लिखे निकल रहे हैं, अब क्या प्रूफ कर रहे हैं उनको? मोहम्मद को क्या प्रूफ कर? उनके ही फॉलोअर्स कुरान में पढ़कर उनके फॉलोअर्स, तो आने वाले सभी देखेंगे ना कि कौन क्या है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो भी आत्मा है वो इनके फॉलोअर्स इनको प्रूफ करेंगे ये क्या है धर्म के। मैंने एक वीडियो इसलिए बनाई कि धर्म के नाम पर जो पाप किए हैं वो इनकी सजा भोगने का टाइम आ गया है। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किए हैं इनको तो बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी, चाहे सूक्ष्म वतन में हो चाहे स्थूल वतन में। वो मनुष्यों को जिन्होंने और अभी इंतजार कर रही हैं क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे, बेचारी अपनी अपनी कब्रों में बैठी हैं आत्माएं, चाहे क्रिश्चन हो चाहे मुसलमान हो, रिबॉर्न में तो मानते नहीं, तो आत्मा उनको खाना पीना नहीं चाहिए, कब्र में बैठी रहेगी आत्माएं, चाहे क्रिश्चन की हो चाहे मुसलमान की हो। वो तो आएगी अपने घर में जाएगी तो लाखों आत्माएं बैठी रहती है। वही तो कह रहा हूँ ना, कब्र से निकल के तो घर, कब्र से निकल के तो घर में आ गई हैं। अगर कब्र में ही रहती तो इतने जीन वो लोगों में प्रवेश ना करते ना, फिर भगाते किसको है? आज भी जो आतंकी बैठे है उसमें मुसलमानों के भूत ही प्रवेश करके आतंकवादी कर रहे हैं ना, गोलियां मार रहे हैं, कोई एक इंसान नहीं कर सकता, भूत घुस कर काम कर रहे हैं ना। धर्म परिवर्तन भी सूक्ष्मवतन वाले ही कराते हैं ना, हमेशा कहता हूँ सूक्ष्मवतन वाले ही स्थूल वतन वालों को चलाते हैं। तो सूक्ष्मवतन की बातें जो है ना, भूत प्रेतों को समझना बेहिसाब आत्मा है, मनुष्य 800 करोड़ है तो मल्टीप्लाई 1000 गुना कर दो सूक्ष्मवतन को। स्थूल जगत को नहीं समझ सकते इतनी अच्छी तरह, ये तो आजकल भूत को क्या समझे, आजकल भूत प्रेत तो आज समझ रहे हैं ना, पहले कहाँ मानते थे? पहले कहाँ, सही बात, पहले तो मानते ही नहीं थे कोई, कई हमारे सनातन में भी नहीं मानते थे, इसलिए सब। चलो और बाकी आखिरी में बापूजी बस यही पूछना है कि ये जो हम बीके वाले या पीबीके वाले आएंगे यहाँ पे, कब आएंगे? आएंगे लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में तो सबको एक ही हथी आना ही पड़ेगा। परम शांति। चलो हमें चारों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ने बहुत ही वैल्यूएबल आज ज्ञान दिया, बहुत नई नई बातें बताई, और आशा करती हूँ आप सबको भी बहुत सारी नई बातें और नया ज्ञान आज मिला होगा। और बापूजी ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी भी महत्वता को समझिएगा, बापूजी ने बहुत ही विशेष वरदान दिया है हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को परम शांति, बेहद की परम शांति।